दोस्तों, भारत का चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने का सपना अब टूटता हुआ लग रहा है, क्योंकि 11 अगस्त को रशिया ने अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने का सोचा है और ये भी चंद्रयान 3 की तरह चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। पर चंद्रयान 3 बोले या फिर इसरो और पूरे भारत के लिए दुखद भरी बात ये है कि ये लूना 25 सिर्फ 5 दिनों में ही चांद के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा और ये उसके आगे 5 से 7 दिन में मून की सतह पर लैंड कर जाएगा। और इस मिशन को रशिया अपने सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च करेगा। और आपको बता दें कि ये रॉकेट रशिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये रॉकेट इतना पावरफुल है कि जहां चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट में 2 हफ्ते लगे थे, वहीं ये सिर्फ 5 दिन में ही चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। और रशिया अपने इस मिशन को वोस्टोशनी कोस्मोड्रोम से लॉन्च करेगा और रशिया का ये लूना 25 उस समय के आसपास चांद की सतह पर उतरेगा जो डेट चंद्रयान 3 के लिए डिसाइड की गई है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को शाम 5:47 PM पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना है। वहीं लूना 25 की एस्टीमेट लैंडिंग डेट है 25 to 23 अगस्त। और अब या तो ये लूना 25 चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के साथ उतरेगा या फिर उससे कुछ दिन पहले उतरेगा। और ये साफ रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस का इसरो को ललकारना है और उसी के साथ इंडिया का चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनने का सपना भी चकनाचूर होते हुए दिख रहा है। और अब देखना ये होगा कि इसरो अपने आने वाले स्पेस मिशन से रोस्कोसमोस को कैसा मुंह तोड़ जवाब देगा। और आपको ये बता दे कि एक तरफ इंडिया, जिसने अभी ही हाल ही में अपने चंद्रयान 2 मिशन से सीख लेकर अपने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया 47 ईयर्स के बाद अपने मून मिशन को अंजाम देने जा रहा है। और उससे पहले रशिया ने जो अपना लास्ट मून मिशन किया था वो था 1976 में, जिस करके माना जाता है कि रशिया के इस मून मिशन में सक्सेस होने के चांस इसरो से काफी कम है। और आपको बता दें कि जब से रशिया सोवियत यूनियन से अलग हुआ है, तब से रशिया ने अपने स्पेस सेक्टर में कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है, तो ये बात इसरो को एक एज प्रोवाइड करती है। पर एक बात तो है, रशिया ने अपने दोस्त इंडिया के साथ ये सही नहीं किया, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो अपने मिशन को थोड़ा डिले कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं करा। उसने पहले चंद्रयान 3 की हाइप बनने दी और अब अचानक से अपने लूना 25 मून मिशन की घोषणा कर दी। आखिरकार कंपटीशन चीज ही ऐसी है। तो दोस्तों, आपको रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस का इसरो के साथ ये रवैया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों, लूना 25 पर एक ब्रीफ वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसमें हम उसकी लैंडिंग से लेकर उसके पाथ के बारे में बात करेंगे और साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या लूना 25 इसरो के चंद्रयान 3 के साथ टकरा सकता है या फिर नहीं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई बातें हम इसके बारे में अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप उस वीडियो को मिस ना करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।